में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। परिवर्तन कहां है? ये परिवर्तन तो कहीं है ही नहीं, सब खौफ गई। तो टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे। अब गुंडागर्दी बंद कर दें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने दें, अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। सीएए कानून के अंतर्गत आपने देखा होगा कि सीएए को लागू करने के लिए जब कानून बनाया गया, तो भाइयों बहनों उस समय जो आंदोलन हुए थे, जो हिंसक वारदातें हुई थी, टीएमसी के लोग हिंसा को भड़काने वाले तत्वों का समर्थन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीए की हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर चस्पा किए, और उन्होंने अगर कहीं सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी वसूली भी उन्हीं लोगों से करने का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है। लेकिन बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की भेंट सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ममता दीदी को तो इन दंगाइयों में टीएमसी का वोट बैंक नजर आता है। हमने दंगाइयों में वोट बैंक नहीं देखा, हमने दंगाई को दंगाई माना, और उसने जितनी संपत्ति का नुकसान किया उस संपत्ति की भरपाई उससे की, उसने नहीं की तो उसके पोस्टर लगाए और फिर उसकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके उसकी भरपाई करने का काम भी किया। मां की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा मां की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी, और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। लेकिन मां की बात करने वाली, अपने को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, और गौ हत्या का भी समर्थन करती है। माटी की बात करने वाली दीदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं देने देती है, बंगाल की माटी को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने का कार्य करती है दीदी। जितना पैसा मोदी जी विकास के लिए भेजते हैं, राज्य सरकार उस पैसे को या तो लगने नहीं देती है, या टीएमसी के गुंडों में बंदर बांट कर देती है। जनता ठगी भी महसूस करती है। यहां का मानुष अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, और यही कारण है बंगाल के अंदर जहां कहीं भी हम जा रहे हैं एक ही अभिवादन का शब्द निकल रहा है, और वह शब्द है जय श्री राम का। बंगाल के अंदर जहां कहीं जा रहे हैं एक ही शब्द है
और वह शब्द है जय श्री राम का। भाइयों बहनों, बंगाल एक बार फिर से अंगड़ाई लेने के लिए तैयार है और मैं यही कहना चाहता हूं कि दीदी आपने तो 10 साल पहले पौरवर्तन की बात की थी, ये पौरवर्तन कहां है? ये पौरवर्तन तो कहीं है ही नहीं, सब खौफ गए। और भाइयों बहनों यही कहने के लिए हम लोग आ गए हैं, आए हैं आज बंगाल के अंदर। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, याद रखना भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी सभी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जो मैं कह रहा था, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और मैं फिर कहने के लिए आया हूं, मात्र 24 दिन बचे हैं, 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 2 मई तो टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे, अब गुंडागर्दी बंद कर दें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने दें, अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि 2 मई के बाद सोनार बांग्ला के सपने को साकार करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करना है। इसके लिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा में बंगले होबे एताचारर सर्वोनाश, इबार बंगला सुदई हो अनारोयोन और विकास। आप सबसे यही अपील करने के लिए आए हैं, अब गुंडागर्दी समाप्त होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, कानून का राज होगा, हर नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, बेटियों की यूजी से लेके पीजी तक की, केजी से लेके पीजी तक की पूरी शिक्षा मुफ्त में होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए फ्री में होगा, और बहन बेटियों की स्कूल के इर्द गिर्द मंडराने वाले जो गुंडे हैं इनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर कार्य करके इनसे कायदे से निपटने का काम भी करेगा। इन नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा बंगाल के अंदर ही होगी। बंगाल के नौजवानों में एक कुवत है कि वे बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर यहां के नौजवानों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के गरीबों के लिए अपनी योजनाओं को लेकर के आई है, और उन योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके पास आई है, और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आज आपके बीच में है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रुझान में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत की ओर आगे दिखाया जा रहा है।